मित्र अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं, तब 64 योगनियां अगर पितृ निमंत्रण देते हैं कि अब हम यहां से जा रहे हैं और हमारे परिवार का कल्याण आपको करना है, तब पितरों के जाने के बाद में 64 योगनियां प्रवेश कर। आज भी हिंदू धर्म में नियम है साहब, आप देखिए 16 श्राद्ध आएगी उसके बाद ही नवरात्र आएगी। अब कोई कोई ऐसा होता है, बहुत ध्यान देंगे, हमारे कथा थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन कई कई के शरीर में, तो किसी किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है, तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है, तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगनियां नहीं है, वहां 64 योगनियां नहीं, और जहां पर 64 योगनियां है वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय, अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांध कर, पानी का मटका परिंडा या जहाँ अपना रसोई घर में जल रखते हो उस कटोरी को वहाँ पर दो दिन तीन दिन तक रख दो, वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है दो तीन दिन उसको रख दीजिए, घी का दिया लगाइए, तीन दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, पितृदोष के तीन लक्षण, कितने लक्षण है, तीन। पहला, एक रुपया कमाओ सवा रुपया खर्च हो, घर में पैसा आए और टिके नहीं, कहीं कुछ में लग जाए कहीं कुछ में लग जाए, समझ लेना पितृदोष। दूसरा, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहे, एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार, कहीं ना कहीं डॉक्टर में रुपया लग रहा है, समझ लेना पितृदोष। तीसरा,
घर में पांच लोग अगर रह रहे हैं, चार लोग रह रहे हैं, दस लोग रह रहे हैं, पंद्रह लोग रह रहे हैं, घर में जितने लोग रह रहे हैं, जरा सी चीज के लिए पानी गिर गया तो उस पे खटर पटर, जरा सी कटोरी गिर गई उसके पीछे बहसबाजी, छत्तर बिगड़ गई उसके पीछे बहसबाजी, जरा जरा सी बात में जिसके पीछे खींचातानी चालू हो जाए, क्लेश चालू हो जाए, समझ लो पितृदोष है। ये तीन लक्षण पितृदोष, ये तीन लक्षण पितृदोष की बता। तो महाराज क्या करना चाहिए अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है, शांति पाना है, तो क्या करना होगा? उसका एक ही तरीका महाराज, अमावस्या के एक दिन पहले चौदस के दिन पीपल के सात पत्ते लीजिए और सात पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। सातों पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने बंदरबान बनते ना, ऐसे मौली की बंदरबान बांध लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या की एक दिन पहले चौदस। अमावस्या के दिन दोपहर के बारह बजे उस बंदरवाल को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए, कटोरी वापिस लेकर आ जाइए। मात्र दो अमावस्या करोगे आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृदोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका ही शिव कर सकते।